क्या आप जानते हैं एनएफटी की मदद से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आप भी ये कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जानना होगा एनएफटी क्या है और एनएफटी कैसे बनाई जाती है और इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं ग्रो स्टडी यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनएफटी अपनी कला के बदले लाखों करोड़ों कमाने का एक मौका है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कला है जो दुनिया में बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल नई है, तो आप उसका एनएफटी बना सकते हैं। एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन एक प्रकार की डिजिटल संपत्ति होती है, जिसे एक डिजिटल डेटा भी बोल सकते हैं, जिनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में रहता है। और एनएफटी में डिजिटल टोकन का यूज होता है जो किसी रियल प्रोडक्ट यानी कि पेंटिंग्स, म्यूजिक, एल्बम, गेम और मीम्स आदि जो होते हैं उनसे साइन किया जाता है। और यह सब डिजिटल जो संपत्ति होती है, धन होता है, उसको एनएफटी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है। इसलिए कोई भी अपने स्किल को एनएफटी की मदद से सेल कर सकता है और अपनी जो मेहनत है उसको अच्छी कीमत में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं एनएफटी में क्रिप्टो टोकन्स क्या होते हैं। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन होता है, ठीक उसी तरह से डिजिटल यानी कि क्रिप्टो टोकन होते हैं जो किसी डिजिटल डेटा के लिए मिल सकते हैं जो यूनिक होता है। बिटकॉइन सबके लिए समान होता है, लेकिन एनएफटी केवल यूनिक डेटा के लिए ही यूज की जाती है। आने वाले समय में स्किल्ड पर्सन के काम आने वाली इस प्रक्रिया के चर्चे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा कि एक गैलरी में लगकर अपनी कला की नुमाइश करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि एक छोटे और साधारण आर्टिस्ट का मंच तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। बस अपनी कला में दम होना जरूरी है। एनएफटी के जरिए आपको लाखों करोड़ रुपए मिल सकता है और पहचान भी मिलेगी। एनएफटी काम कैसे करती है? एनएफटी एक ब्लॉकचेन के आधार पर काम करती है, जिसे एथेरियम ब्लॉकचेन कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म होता है जो कि एनएफटी बनाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए जो भी एनएफटी एक बार बनती है उसको ना ही डैमेज किया जा सकता है और ना ही इसे रिपीट किया जाता है। और एनएफटी किस तरह से काम करता है हम इस तरह से समझते हैं। एनएफटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो एनएफटी का रिकॉर्ड रखता है, और एनएफटी के रिकॉर्ड को ना ही नष्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और ना ही इसे डिलीट कर सकते हैं। इसलिए इसे डीएलटी या डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एनएफटी डिजिटल डेटा या एसेट्स जो होती हैं उसको स्कोर रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि आर्ट्स, वीडियोस, म्यूजिक या कोई और यूनिक ट्वीट मैसेज भी हो सकता है। कोई भी यूनिक चीज एनएफटी बनने के बाद लाखों या करोड़ों में बिक सकती है, और एनएफटी के माध्यम से बेची या खरीदी जाने वाली डिजिटल एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में ही रहता है। एनएफटी कैसे बनाए जाते हैं अब इसे समझते हैं। अगर आप खुद के लिए एनएफटी बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको एनएफटी को होल्ड करने के लिए ऑनलाइन वॉलेट को क्रिएट करना होता है, और आपकी क्रिप्टो एसेट्स को क्रिएट करके ये वॉलेट में स्टोर किया जाता है, और यूजर इसे प्राइवेट की से एक्सेस कर सकता है, यानी कि इसको एनक्रिप्ट कर सकता है। एनएफटी जो एसेट्स होती हैं, संपत्ति होती है, इसके लिए आपको क्रिप्टो टोकन दिया जाता है, जिसको एक सुपर सिक्योर पासवर्ड की हैश से बिल्कुल सिक्योर किया जाता है, और प्राइवेट की मदद से ऑनर एनएफटी टोकन को एक्सेस कर पाता है। और क्रिएट किए गए वॉलेट को एक सर्विस से लिंक करना होता है, जिसे मेटा मास्क बोला जाता है। यूजर का पूरा रिकॉर्ड एनएफटी ब्लॉकचेन में ही शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, समझते हैं हम अपने लिए एनएफटी कैसे खरीदेंगे। जैसे कि हमने पहले समझा कि एनएफटी बनाने के लिए आपको डिजिटल वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप अपना एनएफटी कलेक्शन बना सकते हैं। और इस वॉलेट में आपकी एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी की पूरी जो जानकारी होगी वो स्टोर रहेगी। एनएफटी को खरीदने के लिए वॉलेट में
ईथर नाम क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे ही आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, जिसके लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉइनबेस, पेपाल, ई टोरो, ट्रैकन और रॉबिनहुड नाउ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने एनएफटी को बाय कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। एनएफटी का फ्यूचर क्या होने वाला है इसको समझते हैं। जैसे कि 2020 में 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा एनएफटी जो है हो चुकी थी। जिस तरह से भारत में एनएफटी रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके हिसाब से तो एनएफटी क्रिप्टो से भी आगे निकलने वाला है। और सुनने में कुछ नामी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपना एनएफटी बनाया है और कुछ बनाने जा रहे हैं। और भारत में डिजिटली एक्टिव लोगों के लिए एनएफटी का जो मार्केट है अभी इसके लिए सिर्फ स्टार्ट है, और जो उनका रुझान है इसकी तरफ पूरा बढ़ रहा है। और इस सब भी बातों को देखते हुए ये अंदाजा लग सकता है कि आने वाला जो टाइम है एनएफटी के लिए कैसा रहेगा। तो फ्रेंड ये थी एनएफटी को लेकर कुछ जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।